अना नाश्ता कर लो। आई आपी। क्या फिर से सादा सी ब्रेड रख दी आपने? आपको पता है मुझे पराठा पसंद है। अच्छा संडे को बना दूंगी ना, अभी ऑलरेडी देर हो रही है। ये कौन सी नई बात है? अच्छा सुनो, आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, रात को खाने के लिए कुछ बना देना, ठीक है? क्यों क्यों, देर क्यों हो जाएगी? आसिफ की प्रमोशन हुई है ना, तो वो गेट टुगेदर रख रहे हैं। तो अच्छा, तो आप बाहर सैर सपाटे करेंगी और मैं किचन में अपनी ब्यूटी खराब करूंगी? ना भाई ना, मुझसे ये किचन किचन के काम नहीं होते। अच्छा मेरी माँ, मत पकाना कुछ, ले आऊंगी आते हुए तुम्हारे लिए भी। ये हुई ना बात। अच्छा चले इसी बात पे निकाले 500 रुपए। क्यों भाई, अभी परसों तो दिए थे तुम्हें। हाँ तो जरूरत पड़ ही जाती है, वैसे भी पूरे कॉलेज में एक मैं ही कंगली हूँ। मेरी फ्रेंड्स इतने इतने पैसे खर्च करती हैं और मैं उनके सामने शर्मिंदा ही होती रहती हूँ। वैसे भी महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, दे दे कुछ खर्चा। बड़े लोगों की बड़ी बातें। देखो तुम कॉलेज की लड़कियों के साथ खुद को कंपेयर मत किया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि उस जात ने आज तक हमारी लाज रखी है। तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती हो, इतने अच्छे कपड़े पहनती हो और मुझसे जितना हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, सोच समझ के खर्च किया करो। अब मैं चलती हूँ। अच्छा हाँ, अब कुछ बना लेना क्योंकि मेरे पास ये आखिरी 500 रुपये थे, अब मैं कुछ भी नहीं ला सकती। रात को वैसे ही देर हो जाएगी मुझे, मैं जा रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और हाँ दरवाज़ा लॉक कर लेना, हालात ठीक नहीं है। हाँ हाँ कर दूंगी। ऐसे कौन सा खजाना छुपा रखा है, कुछ कोई ले जाएगा? जाती है ना, तो आओ। बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए प्लीज। अरे कोई देर नहीं हुई, अब आए हो ना तो बैठना भी पड़ेगा और चाय भी पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं चाय नहीं प्लीज, बस पानी पिलवा दो। जाओ बेटा पानी लेकर आओ। अना जिसका जिक्र करती रहती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। माशाल्लाह चलो बैठो। यार मुझे तो बहुत मजा आया आज फंक्शन में। अहमद साहब को देखा था कैसे फनी जोक्स कर रहे थे। गॉड, वो इतने फनी जोक्स लाते कहाँ से हैं? सीरियसली मैम, शुक्रिया। इजाजत है। बुरी बात है, चाय तो पी के जाओ। अच्छा तो आप हैं आसिफ, आपकी प्रमोशन हुई यार। आपके बारे में भी बहुत बात करती है मोना। मैंने भी आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं और आज देखें मुलाकात भी हो गई। रियली? क्या बताया नहीं मेरे बारे में? तो डन हो गया, मैं इंशाल्लाह आपके हाथ की बनी हुई बिरयानी खाने आऊंगा। खाना बनाना तो नहीं आता मुझे, हाँ लेकिन खाना जरूर आता है। इस काम में तो मैं भी बहुत माहिर हूँ। मैं तो एक्सपर्ट हूँ। भाई बहुत देर हो गई है, घर से भी कॉल आ रही है, मुझे अब चलना चाहिए। कितनी बुरी बात है ना, ना चाय पी ना कुछ ठंडा। अरे फिर कभी इंशाल्लाह। कब आएंगे आप? जब आप बिरयानी पकाएंगे। अच्छा, यानी कि इस प्रोजेक्ट पे कल ही से काम शुरू कर दिया जाए। आपकी मर्जी। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ खाया तुमने? अभी आप 500 रुपए देके गई थी, 5000 नहीं, वो तो सुबह में ही खर्च हो गए थे। और आपसे इतना नहीं हुआ कि अपनी छोटी बहन के लिए कुछ लेती भी आती? हाँ भाई आप तो मसरूफ थी, आपको अपनी बहन कहाँ याद आएगी। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ नहीं लाई? तुम्हारे लिए स्पेशल जिंगर बर्गर लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही नसीब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से आ रही हो? मैं अपनी दोस्त की तरफ गई थी, बस वहीं से आ रही हूँ। ये गाड़ी आपकी है? हाँ क्यों? वो
ऐसे ही पूछ रही थी, दरअसल आप ही को अभी तक गाड़ी नहीं मिली ना कंपनी से, इसलिए। ये कंपनी की गाड़ी नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल कार है। लश है बिल्कुल आपकी तरह। अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, आइए आइए ना आइए। आप ही कहाँ होंगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और आप ही की किचन तक। आप ही आप ही। हाँ सरप्राइज। वाह बहुत प्यारे हैं। तुम्हें पता है अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। देख लो दिल को दिल से राह होती है। बैठने का नहीं कहोगी? आओ बैठो। अच्छा देखो खाना खाए बगैर तो तुम्हें तुम्हें यहाँ से जाने। अच्छा अच्छा ठीक है, जरा मेरे पास बैठो। हाँ और अब अपनी आंखें बंद करो प्लीज, करो ना। क्या कर रहे हो? अच्छा आंखें तो बंद करो। क्यों? बंद करो, बंद ना। चलो अच्छी तरह बंद करो, बिल्कुल नहीं देखना ओके, चीटिंग नहीं करनी। And now you can open your eyes. ये क्या है? हमारे रिश्ते की बुनियाद और क्या? अच्छा तो ये सरप्राइज था। ये सरप्राइज था, इतनी बड़ी प्लानिंग की वो भी मेरे बगैर। अरे इधर आओ यहाँ बैठो, आओ ना। एक्चुअली मैं और आसिफ हम दोनों शादी करने लगे हैं। अचानक मुझे बताया भी नहीं। दरअसल हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे लेकिन आसिफ ने तो आज अचानक से मुझे हैरान कर दिया। अचानक? 2 साल से दोस्त हो तुम मेरी। ऑनेस्टली अगर मेरी वाइफ की डेथ के बाद तुम ना होती तो मैं खुद को संभाल ही ना पाता। तुमने मुझे जीने का हौसला दिया, मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाया। और शादी तो मुझे करनी थी, सोचा इन्हीं से कर लेता हूँ। और सरप्राइजेस देने का तो मुझे बहुत शौक है। अना अना मैं खाला के घर जा रही हूँ। लेकिन क्यों? सईदा की कॉल आई थी, बता रही थी 2 दिन हॉस्पिटल रह के आई हैं, तबीयत ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। चलती तुम भी? नहीं मुझे अपना संडे ख़राब करने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी सीधी सी बात है मैं ये तिमारदारियाँ नहीं कर सकती। बुरी बात ऐसे नहीं कहते, चलो आ जाओ दरवाज़ा बंद कर लो। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं नहीं वो मैं बस ऐसे ही। अंदर आने का नहीं बोलोगी? हाँ हाँ आइए ना। वो ना कहाँ है? आप भी तो खाला की तरफ गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सवाब मिलेगा। अब आप
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी तो है, सूख जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं मैं अभी साफ कर। अरे सूख जाएगा, दिखाए। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, सोके सोके कोई बात नहीं, बल्कि मैं चलता हूँ, वैसे भी मोना तो है। मैं तो हूँ। आपकी वॉच कितनी प्यारी है, इम्पोर्टेड लग रही है। हाँ जी, वो मैं दुबई से लाया था। एक बात पूछूं आपसे? जी। आप इतने हैंडसम हैं, वेल सेटल भी हैं, आपको तो कोई भी हसीन अमीर लड़की बा आसानी मिल सकती थी, फिर आपने आप ही का इंतखाब क्यों किया? बहुत अंडरस्टैंडिंग है मेरी और मोना की, बहुत केयरिंग भी है वो, तो बस मुझे लगा कि उससे बेहतर मुझे कोई और मिल ही नहीं सकता। मैं भी नहीं। मजाक कर रही हूँ, आपने भी बहुत जल्दी कर दी। मगर अब तो कुछ नहीं हो सकता, चलो कोई बात नहीं, साली भी आधी घर वाली होगी। मैं आपकी साली नहीं, घर वाली भी हो सकती हूँ। अच्छा मजाक कर लेती हूँ। सोचती हूँ कैसे गुजारा होगा आपका शादी के बाद, आप ही का मिजाज ऐसा है, पल में तोला पल में माशा, कभी कभी तो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। वो अम्मी अब्बू की डेथ के बाद उनकी ऐसी कैफियत हो गई है, बेचारी पैसे तो नॉर्मल रहती हैं, बस कभी कभी संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा बाकी ऐसी लगती तो नहीं है? एक बहन ही बहन को समझ सकती है ना, संभालना तो मुझे ही पड़ता है। लेकिन मोना ने कभी जिक्र नहीं किया, ना ही मैंने कभी उसे ऑफिस में किसी से मिसबिहेव करते देखा। मेडिसिंस पे है ना आप ही, वैसे तो नॉर्मल रहती हैं, कभी कभी दौरा पड़ता है, आप भी ना बड़े मासूम हैं। अच्छा आप ही से इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा, बस मेरे तो मुंह से निकल गई ये बात, मुझे लगता है आपको बतानी नहीं चाहिए थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी पता होना चाहिए। अच्छा छोड़ें आप इन बातों को, ये बताएं कि चाय पियेंगे, मैं बना के लाती हूँ। फिर आपसे यही उम्मीद है, कभी खाना नहीं मिलने वाला। अच्छा ये बताएं आपको बिरयानी के अलावा और क्या पसंद है खाने में? मैं चाइनीज शौक से खाता हूँ। चाइनीज? चाइनीज तो मुझे भी बहुत पसंद है। रियली? अब तो ठीक है, फिर किस दिन मैं आपको अपने फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट लेकर चलूं, ट्रस्ट मी बहुत मजे का खाना। हाँ हाँ ठीक है, आप बताएं। बस आपकी याद आ रही थी इसलिए कॉल कर ली। किससे बात हो रही है? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ अल्लाह हाफिज। किससे बात हो रही थी? आसिफ से बात हो रही थी। मुझे जला रही हो? अच्छा चलो बताओ किससे बात हो रही थी। किसी से नहीं, बस ऐसे। कोई है क्या तुम्हारी लाइफ में? देखो अगर ऐसा है ना तो बहुत खुशी की बात है। जब तक आप मेरी जिंदगी में, खुशी तो आ ही नहीं सकती। क्या कहा? हाँ कुछ नहीं, क्लासमेट था मेरा, उससे बात कर रही थी। अच्छा चलो छोड़ो,
कल का क्या प्लान है? सबा की मेहंदी पे क्या पहन रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। सहर लगते हैं मुझे ये मुनाफिक रिश्तेदार। पास से गुजरो नहीं कि जलीकटी सुनाने लग जाते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा मूड नहीं है, आप जाइएगा। तुम्हारा मूड होता भी है किसी चीज के लिए? तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुम्हें छोड़ के मंगनी पे चली गई है, उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था यार। काश कि आप समझ पाते, उन्हें मेरी नहीं बल्कि अपनी खुशियों की फिक्र। अच्छा चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मेडिसिन लोगी तो बेहतर फील करोगी, इस तरह वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहे होंगे। चलो आ जाओ। चलो मेरी दवा, मेरी शफा, सिर्फ तुम। जी नहीं सकूंगी तुम्हारे बगैर। अगर तुम मुझे न मिले तो मैं मर जाऊंगी। किसी बातें कर रही हो? ना करे तुम्हें कुछ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी अपना दिल दे बैठी थी, पर मुझे क्या मालूम था कि तुम इतनी जल्दी अपना फैसला सुना दोगे। ये मुमकिन नहीं है, इस ट्रबल में स्टार। क्या मतलब मुमकिन नहीं? अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम आप ही से बात करो ना, वो मान जाएंगी। प्लीज। क्या बात कर रही हो? मैं क्या कहूंगा मोना से और क्यों कहूंगा अगर तुम ही हो गई हो? पॉसिबल नहीं है, समझो मेरी बात प्लीज। तो ठीक है, आज के बाद मुझसे बात मत करना, बल्कि आप ही की गैर मौजूदगी में यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। जियो या मरो, इससे आपको क्या? क्या बात कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। समझ नहीं रही हो तुम, कब से समझा रहा हूँ तुम्हें ये। अना, ये घड़ी, ये तो आसिफ की है, मगर आसिफ यहाँ? नहीं, ये कैसे हो सकता है? वह मैं मेरा, मगर ये घड़ी बेडरूम में। या मेरे खुदा, क्या करूं? तुमने मेरे साथ ऐसे बोलो, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? मुझे अंधेरे में क्यों रखा तुम? मैंने आपको अंधेरे में नहीं रखा, आसिफ को देखते ही पसंद करने लगी थी उन्हें, मगर मुझे क्या मालूम था कि आप मेरे बजाय अपनी खुशियों को तरजीह देंगी। तुम्हारी खुशियों का ख्याल था तो मैंने अभी तक शादी नहीं की। अगर मैं शादी कर लेती
तो तुम्हें कौन कबूल करता? लेकिन आज भी मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, कब हो गया। मैं इसकी मोहब्बत को ठुकरा ही नहीं सका। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अब इसकी हकदार मैं नहीं, अनाय। आसिफ, क्या सोच रहे हो? देखो आपी को कोई एतराज नहीं है, है ना आपी? किचन में थी। अच्छा जाओ लेकर जाओ इसे, चेंज करवाओ, आसिफ आने वाले हैं। नहीं यार, आज शॉपिंग पे नहीं जा सकती। ये सुभान को पता नहीं क्या हो गया, सुबह से रो ही जा रहा है। आपका वेट कर रही थी। सुबह से जा रहे हैं, खाना लगा दो। बीबी जी से क्या पूछो, हमसे पूछो। बिल्कुल इसे भी ले जाओ साथ। अच्छा हम खेलेंगे। कैसा रहा आज का दिन? हमेशा की तरह मसरूफ। किसका फोन है? जी आपकी बड़ी बहन कब से मुसलसल कॉल्स कर रही है। मैं उन्हें बोल चुकी हूँ कि आप घर पे नहीं है, फिर भी कॉल करी जा रही है। ये जान नहीं छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ आ गए, बिल्कुल आ गए। नहीं अभी तो दोस्तों के पास गए हुए ना, घर पे नहीं है। क्या कहना है आपने मुझे बताएं, मैं कहती हूँ। अच्छा नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है वो संडे को हम कहीं पे इनवाइटेड है, तो आप फिर कभी आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगी ना कब आइएगा। हाँ जी जी जी, बिल्कुल अपना ख्याल रखूंगी, आप अपना ख्याल रखो। हाँ अल्लाह छोड़ेगा।
का गिलास तोड़ दिया तुमने। जी क्या किया है? वो क्या ये जी वो जी, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, पैसे कौन देगा? तुम्हारा बाप। नहीं होगा, गलती हो गई, माफ कर दे। कितनी गलतियां करोगी हाँ, कितनी गलतियां करोगी हाँ, कितनी ना नुकसान कर दिया है तुमने, तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगी मैं। सिर्फ आप देख नहीं रहे कितना इम्पोर्टेंट ग्लास तोड़ दिया इसने। कुछ नहीं होता, बुखार हो रहा है बेचारी को, छोड़ो। बुखार उसे, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? हाँ? और तुम दम हो जाओ यहाँ से। क्या कर रही हो? चढ़ाओ सर, इन लोगों को अपने सर पे चढ़ाओ, सर पे चढ़ा के बिठा लो, तो कोई सुनेगा ही नहीं ना। सिकंदर, सिकंदर साफ करो यहाँ से। बलगोशा, बहुत तेज बुखार हो रहा है। बलगोशा, बलगोशा, उठो, ये दवाई लाए हो तुम्हारे लिए, दवाई खा लो। उठो उठो, शाबाश, उठो, आ जाओ, उठो। दवाई खाओगी ठीक हो जाओगी, ये लो, शाबाश, हाथ धो अपना। शाबाश, एक घूंट और पी लो, चलो। और तुम आराम करो, काम की फिक्र बिल्कुल ना करा, काम वाम तो होते रहेंगे, और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो 4 घंटे बाद ही दवाई छोड़ के जा रहा हूँ, खा लेना, ठीक है? चलो काम करो। डिजाइनर की बहुत अच्छी सेल लगी है, वहां जा रही हूँ। थोड़ा वक्त हमें भी दे दिया करें, हम भी पढ़े हैं राहों में। इतना वक्त तो देती हूँ, और कितना वक्त चाहिए? ओके, जल्दी आना। अब ये मुझे जल्दी आने का मत कहें, और वैसे भी देर सवेर हो ही जाती है, मैं कोई रवायती बीवियों की तरह घर पे नहीं बैठ सकती। अरे क्या चाहते हैं आप मुझसे? ओके मेरी जान, आप आराम से जाएं, एंजॉय करें, बिल्कुल मॉडर्न बीवियों की तरह, घर में संभाल लूंगा। आहा, बड़े ही मजलूम शोहर हैं आप, इतने मुलाजिम हैं घर पे, कोई काम हो तो किसी भी मुलाजिम को बोल दें। और बलवशा भी तो है, खाना खाना हो तो उसे बता दीजिएगा, बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो बेचारी तो बीमार है। कोई बीमार बीमार नहीं है, ड्रामे है काम ना करने के। ध्यान से काम किया करो, अभी तुम्हारी बीबी जी होती तो जरा सी बात पे पिटाई लग जाती। जी वो गलती से गिर गई। कोई बात नहीं, एक ग्लास पानी लेके आओ मेरे लिए। जी। Game 1 of this 3-game series, Giants and Dodgers.
Hi again, everybody. I'm Dwayne Kuyper. Alongside me is Mike Kruko. Shukriya aapka. To be here at Dodger Stadium. What a great rivalry. Kis baat ka? कल दवा देने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी जगह अगर कोई और भी होता तो मैं उसके साथ भी यही करता। इंसानियत भी कुछ चीज होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आजकल कौन इतनी फिक्र करता है। गरीब इंसान को तो जैसे जीने का कोई हक ही ना हो। इस दुनिया में हर एक को जीने का। एक बात कहूं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तुम भी बहुत प्यारी हो, बिल्कुल शहजादी जैसी। लेकिन शहजादी तो नहीं। नहीं नहीं honestly, मैं बहुत मसरूफ था पिछले दिनों। और बताओ आंटी कैसी हैं? मेरा सलाम देना। चलो फिर मैं आता हूँ तो चक्कर लगाती हूँ। जी भाई, आपके तो दोस्तों के फोन ही नहीं बंद होते। आपका अपनी फ्रेंड्स के बारे में क्या ख्याल है? आसिफ, मुझे आपसे एक काम है। वो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? खैरियत, क्या करो कितने पैसों का? मुझे डायमंड रिंग लेनी है। पता है क्या, कल एग्जीबिशन में मिसेस मुर्तजा आई थी, के हाथ में थी। मेरा तो दिल वहीं पे रह गया है। प्लीज प्लीज मुझे दे दे 5 लाख रुपए। इतना मत तड़ पाए, एक चेक बना दे प्लीज। मैं आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे। एनीवे, तुम खुश तो हम भी खुश। ये हुई ना बात। हो गए? यस मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा अब मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, बाद में मिलते हैं। चले गए थे? अजीब सी तबीयत हो रही थी तो बाहर जरा फ्रेशर लेने गया था।
ईमेल्स तुमने मुझे सेंड किए हैं। वाकई कसम खाए मेरी? तुम्हारी कसम। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। कौन कहाँ है? ड्रामा मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो किसकी बात कर रही हूँ मैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम चलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेशरम लड़की, बाहर निकल। निकलो बाहर। चलो यहाँ से। मैं तुम्हें बोलूँगा चलो यहाँ से। अगर ये बाहर ना आई तो मैं अपने आप को मार डालूंगी। ओके, मैं उसको बोलता हूँ वो आ रही है। बलवशा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तुझे तो मैं पुलिस में पकड़वाऊंगी। चोर कहीं की, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। चोर नहीं है ये कपड़े मैंने खुद उसे अपनी मर्जी से दिए। किस हक से दिया है तुमने? जवाब दो। झूठे कौर, शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? क्या धोखे धोखे की बात कर रही हो तुम? हाँ, धोखेबाज तो तुम भी हो। भूल गई अपनी सगी बहन को धोखा दिया था तुमने? आसिफ, देखो देखो ये नौकरानी तुम्हारे काबिल नहीं है। प्लीज इसे निकालो घर से। मुझसे कोई गलती हुई है? हाँ कोई गलती हुई है, माफी मांगती हूँ तुमसे यार, लेकिन इसे घर से निकालो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के मैं मर जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मार तो तुझे मैं दूंगी, तुझे इस घर से जाना होगा। आसिफ बिल्कुल भी ऐसे नहीं, कभी नहीं अपनाएंगे तुझे, समझी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपको छोड़ के मैं मर जाऊंगी। तुम यहीं पे रहोगी मेरे साथ? इतना महरम औरत के साथ कैसे रह सकते हो तुम? गुनाह है ये। गुनाह है इसलिए शर्मिंदा हूँ, और इस गुनाह का कफारा अदा करूंगा इसके साथ निकाह करके। तुम मुझसे बेवफाई कैसे कर सकते हो? बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे लिए मोना के साथ की थी।